हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आई होप सब अच्छे हो। चलो चलो तो शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करता हूँ मैं, आप ये लगा लो इसे मेरी लाइफ का सिग्नेचर बोल सकते हो, ठीक है? तो देखना कि ये जो बोलता ही रहता हूँ मैं, ये जो बोलता ही रहता हूँ मैं, कितना खामोश हूँ अंदर से। ये जो बोलता ही रहता हूँ मैं, कितना खामोश हूँ अंदर से। ये बेदिली ही अब तो ज़िंदगी है मेरी। दिल भी ना बहलता किसी मंजर से। जिंदगी यूं ही उलझती जाती है। भला कौन निकाले इसे बवंडर से। मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया महज एक शख्स के जाने भर से। कहते हैं रोकर तुम दुख हल्के कर लो। भला कब घटा है नीर समंदर से। हंसता तो तुम देखते हो नीरज को। मर गया मेरा हम पहलू अंदर से। तो अगले देखते हैं कि राह में पत्थर जो बिछाए मेरे दुश्मनों ने, ऐसा फिसला कि फिर आसमान में थे। हद तो अब हो ही गई कि कोई भी साथ नहीं मेरे। क्या वो फरिश्ते भी गुमान में थे। क्या इतने नुक्स हैं मेरे बयान में हजरत, जो हर तोहमत के खत मेरी अमान में थे। मेरे कलाम पर कोई भी तो दाद ना मिली। क्या ये सन्नाटे भी मेरी शान में थे। तो अगला देखिए, इसमें एक शब्द यूज करूँगा मैं, इद्दत, जो कि आपको बता दूँ ये मुस्लिम कल्चर में जब किसी वाइफ का या कोई हस्बैंड या फिर मतलब अदर आपका पार्टनर एक्सपायर होता है तो उसके बाद एक टाइम पीरियड के लिए वो दूसरी शादी या फिर ऐसा कुछ रिलेशनशिप में नहीं आते, उस पीरियड को इद्दत बोलते हैं। तो आगे देखें कि मेरी इद्दत कोई तीन माह तेरा दिन की नहीं। ये मुद्दत तो अब भी जारी है। तेरी यादों को दिल में यूं बसा लिया मैंने। मेरी हर सांस पे तेरी जवाबदारी है। मेरी खुशियां तो तुमसे यूं जुड़ गई थी जाना। जिस दिन से तेरी तस्वीर दिल में उतारी है ये नींद भला अब क्यों नहीं आती। क्या ये नींद मेरी भी जागीर तुम्हारी है। अपनी हर अदा शोक आदत में पुरकार थे तुम। वादा तोड़ना भी क्या फितरत तुम्हारी है। तुझे छोड़ नीरज अब वो खुदा की हो गई। खुदा के लिए इंसान छोड़ दिया वाह क्या कमाल रसमदारी है। तो एक छोटा कथा स्टार्ट करते हैं, यूं ही एक रैंडम गज़ल है, अगली बार आऊँगा तो उसको आपको पूरा करूँगा, आपके लिए सस्पेंस छोड़ रहा हूँ थोड़ा। तो देखिएगा कि किसी को भूलने को किसी का साथ क्यों चाहिए। प्यार हो या नफरत ये शिद्दत क्यों चाहिए। अपनी परेशानियों की उपज तुम खुद ही तो करते हो। भला तोहमत लगाने को कोई गैर क्यों चाहिए।
कोई गैर की चाहिए।